ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, वर्क स्टडी। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क स्टडी का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स और लास्ट में देखेंगे वर्क स्टडी की एडवांटेजेस। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस पीडीएफ बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क स्टडी के मीनिंग से। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्टिविटी पर। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ये एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेम या ज़्यादा आउटपुट अचीव करने की यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ इनपुट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसके लिए प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होती है कि वो सेम अमाउंट का इनपुट मतलब मैन, मटेरियल, मशीन का यूज़ करके सेम या बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करे। मतलब अगर मैं 50 रुपये की इनपुट डाल रहा हूँ, जिसमें लेबर कॉस्ट है, मटेरियल है, मशीन की कॉस्ट है, तो उससे मैं सेम या फिर ज़्यादा आउटपुट, मतलब 50 रुपीज़ लगा कर मैं 100 की आउटपुट निकाल रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी एक ग्रेट एडवांटेज प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके कंपटीटर के कंपैरिजन में। तो एडवांटेज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्ट का प्राइस लेस होगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम होगी तो आप प्रोडक्ट का प्राइस भी लेस रखेंगे अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, मार्केट में अच्छी इमेज बनेगी, एक्सेट्रा। अब वर्क स्टडी का यहाँ पे क्या काम है? वर्क स्टडी हेल्प करता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो वर्क स्टडी कॉम्बिनेशन है टूल्स एंड टेक्निक्स का, और ये टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या आते हैं? मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ये हम आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। तो इन टूल और टेक्निक को यूज़ किया जाता है ये एनालाइज करने के लिए कि किस तरह से काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये इंश्योर करता है कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज किया जा सके। तो इन शॉर्ट, वर्क स्टडी डील करता है उन ह्यूमन बीइंग के साथ जो कंपनी के दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हैंडल करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग ही है जो मटेरियल, मशीन, इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हैंडल कर सकता है। तो इन ह्यूमन बीइंग पर हमें वर्क स्टडी करनी है कि कैसे हमें ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करना है। तो जैसा मैंने बताया, वर्क स्टडी में इन्वॉल्व है एनालाइज और इवेल्यूएट करना बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, कि मतलब काम को बेस्ट वे में कैसे किया जा सकता है, और स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस डेवलप करना जॉब के रिगार्डिंग। जो भी वो काम करने वाले हैं उसमें वो स्टैंडर्ड सेट कर देना कि ये काम इतने टाइम के अंदर होना चाहिए। तो ये हेल्प करेगा काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने में, और ट्राई की जाएगी कि इन काम को कंप्लीट किया जा सके शॉर्टेस्ट टाइम में विद मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए कम से कम टाइम में हम इस काम को कंप्लीट करें। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो चलिए इसे एक बार रिवाइज करते हैं, और आपको मैं 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जो मेनली आपको याद रखने हैं इस मीनिंग में। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, वर्क स्टडी हेल्प करता है इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तीसरा, वर्क स्टडी में बेस्ट मेथड को एनालाइज और इवेल्यूएट किया जाता है। चौथा, काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये ट्राई की जाती है कि इसे कम से कम टाइम में क्वालिटी को मेंटेन करते हुए पूरा किया जा सके। तो इस तरह से वर्क स्टडी हेल्प करता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ये काम करने के प्रेजेंट मेथड को एनालाइज करता है ताकि नया और बेटर वे डेवलप किया जा सके। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, उन सब का बेटर वे में यूटिलाइज करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है
स्टैंडर्ड टाइम इस्टेब्लिश करता है किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। मतलब अगर दो तीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने वाली हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है कि इस एक्टिविटी को इतना टाइम लगेगा, दूसरी को इतना टाइम लगेगा, तीसरी को इतना टाइम लगेगा, ताकि बाद में उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जा सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करता है ये इंश्योर करके कि बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया जाए ह्यूमन मशीन और मटेरियल रिसोर्सेज का। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेम वही है। इसकी हेल्प से जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अचीव करना मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के साथ। मतलब कम लागत पर अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है वेस्टफुल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना। सेवन्थ ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बीच में। एट्थ ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाना और वर्कफोर्स के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करना, कि जो भी वर्कफोर्स वहाँ पे काम कर रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन देना, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। देन ऑब्जेक्टिव्स के बाद है टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में ये दो टेक्निक्स इंक्लूड हैं, सबसे पहला मेथड स्टडी, दूसरा है वर्क मेजरमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं मेथड स्टडी को। मेथड स्टडी में इंक्लूड है स्टडी या क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग द वर्क। मतलब काम को कैसे किया जा रहा है इसकी स्टडी करना या फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना। इसे स्टडी करने का रीज़न है फाइंड डेवलप एंड अप्लाई easier and effective method of doing the work। तो जो existing तरीका है काम करने का हमें उसे study करना है, और इस study करने के पीछे का reason है कि हमें एक easy और effective method develop और apply करना है काम करने का। ये help करेगा cost और unnecessary activities को reduce करने में। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी process है जिसमें सारी activities को examine किया जाता है ताकि सिंपल वे ढूंढा जा सके काम करने का। दूसरा है वर्क मेजरमेंट। इसमें इन्वॉल्व है मेथड्स और टूल जो यूज़ किए जाते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा समय सही रहेगा। इसमें शामिल है स्टैंडर्ड टाइम को एग्जामिन और डेवलप करना जिसमें काम को पूरा किया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम का यहाँ पर मतलब वो टाइम है जो एक वेल ट्रेंड वर्कफोर्स लेती है किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेथड स्टडी में हम एक्टिविटीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं ताकि हम एक सिंपल वे फाइंड आउट कर सकें काम करने का, और वर्क मेजरमेंट में हम स्टैंडर्ड टाइम पर काम कर रहे हैं। तो मेथड स्टडी में काम करने का जो तरीका है उस पर हम एग्जामिनेशन एनालिसिस करते हैं, और वर्क मेजरमेंट में हम स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं किसी काम को करने के लिए कितना लग सकता है। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी। फर्स्ट एडवांटेज है ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। सेकंड पॉइंट है रिड्यूस करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। थर्ड बेटर मैन पावर प्लानिंग करने में हेल्प करता है। फोर्थ रिड्यूस करता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को। मतलब जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है या फाइनल आउटपुट है, उनको कैसे हमें हैंडल करना है, कितना स्टॉक रखना है, कितना हमें मार्केट में रिलीज करना है, उसमें जितनी भी सारी कॉस्ट होती है उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। फिफ्थ एडवांटेज है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है जिससे कि काम की एफिशिएंसी को मेजर किया जा सके। सिक्स एडवांटेज है एम्प्लॉयज़ को बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। सेवन्थ प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। एट्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इम्प्रूव करता है। नाइन्थ वेस्टेज को रिड्यूस करता है। टेंथ वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन को अच्छा बनाता है।